हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं फिर से नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी में। नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ बातें हैं जो बाहर निकल के आ रही है। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो सच तो केवल वो दोनों ही जानते हैं, नेहा और सचिन की। उनके बीच आखिर क्या बात हुई थी, और अभी तक हमने सचिन की ही बात सुनी, लेकिन नेहा ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। ना जाने वो क्यों चुप है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ आ गई कि नेहा क्यों चुप है, क्यों उन्होंने इस मैटर पर चुप्पी बांध के रखी है। क्योंकि अभी एक वीडियो सुमित महल का लाइव हुआ है, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जहां पे उन्होंने इन बातों को क्लियर किया है कि उनकी इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, सुमित महल की भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि वो सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी अटैक पड़ रहे हैं और वो डॉक्टर तक के पास जाने की उनकी नौबत आ गई है। तो उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की है कि इस कंट्रोवर्सी को इधर ही ख़त्म कर दें, ताकि वो अभी इस सब चीज़ों से बाहर निकल के कोई फ़ैसला ले सके। जैसे कि अब सब लोगों को पता है कि नेहा और सुमित की आगे आने वाले दिनों में शादी होने वाली थी, लेकिन अभी इस कंट्रोवर्सी की वजह से मैं भी अभी उन्होंने क्लियरली कुछ बोला नहीं है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने सभी व्यूअर्स और खास कर नेहा मतलब सचिन और मनीषा से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत उधर से ही हुई थी। तो उन्होंने इसी बात को रिक्वेस्ट किया है कि अभी थोड़ा ऑनलाइन सब चीज़ों को शांत कर दिया जाए, ताकि सारी फैमिलीज़ फिर से शांत हो जाए और जो भी आगे फैसला होगा वो सबके सामने वो रख सके। क्योंकि अगर उनकी अभी दिमागी हालत ही सही नहीं है, वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है, चिंता है, टेंशन है, और किसी भी तरीके की चीज़ें जब उनके सामने आती है तो वो अपना माइंड को सेटल नहीं कर पा रहे किसी भी एक चीज़ पे, तो वो इतनी बड़ी चीज़ों का फ़ैसला कैसे ले। तो उनका एक ही रिक्वेस्ट था कि अभी इस कंट्रोवर्सी को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सुमित का जो ये फैसला है बहुत अच्छा था, और इसी वजह से शायद नेहा भी अभी तक चुप्पी बांध के रखी है, क्योंकि अगर उधर से भी कोई वीडियो आती तो इस जो कंट्रोवर्सी को है और ज़्यादा आग लग जाएगी और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती है। तो हम भी इस कंट्रोवर्सी को या फिर जितने भी लोग इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं, मैं तय रिक्वेस्ट करूँगी उनसे भी और खुद से भी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा कॉन्टेंट था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सबके वीडियोज़ देखे, और ख़ासकर मैं मनीषा और सचिन की वीडियोस को देखकर ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मतलब दूसरी तरफ इससे भी भारी या इससे भी कुछ ज़्यादा पता है, और दूसरा पक्ष भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि एक ही पक्ष को सुन के फैसला ना ले। और एक जो चीज़ मुझे बहुत सख्त है कि अब मुझे सच में समझ आ गया है कि मनीषा थोड़ा सिंपथी कार्ड खेल रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक वाइफ को इतना पता ही ना चले अपने पति का। तो वो तो थोड़ा सा मुझे मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ बात, बाकी तो आप सब लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा ये लोग ओवर एक्टिंग जैसा कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इन सब इस मैटर में। और तो मनीषा का जो एक बिहेव मुझे बेकार लग रहा है वो ये है कि वो हर चीज़ को नेहा के ऊपर ही थोप रही है, क्योंकि अभी तक उसने अपने पति की ही बातों को सुना है। और मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि वो अभी भी इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी उसके हस्बैंड ने जो उसको स्टोरी बताई वो उसी पे बिलीव कर रही है और हर एक चीज़ों को नेहा के ऊपर थोप रही है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अनडाइजेस्टेबल है, बाकी आने वाले दिनों में सब चीज़ें मे भी क्लियर हो जाए, सब बातें पता चल जाए, और नेहा और सुमित के लिए जो अच्छा है वो सब चीज़ें हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेहा ने जो ये गलती की है वो अनोखी है या ऐसा कुछ, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और बहुत से लोगों से गलतियां होती है, और नेहा की जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, मतलब वो एक अकेली औरत थी, तो उनसे अगर किसी ने प्यार से बात भी कर ली तो हो सकता है कि कदम बहक गए हो, या फिर सामने वाले ने किस तरीके से उनको अपने बातों में फंसाया हम नहीं जानते हैं। तो अभी हम भी नेहा का वेट करें ताकि सब चीज़ें सुधर जाए, संभल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।